हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको पांच तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। आपको इन पांचों सॉल्यूशंस की अलग अलग पीएच वैल्यूज जो है उनके बारे में बताया गया है। पहले सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो है 4, दूसरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 1, तीसरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 7, चौथे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 9 और पांचवे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 11। और आपसे पूछा गया है कि इन पांचों सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्यूशन वीक एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन वीक बेस है या मतलब वीक एल्कलाइन है, और कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो इन सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है वो है न्यूट्रल। अब अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है तो मतलब वो बेसिक है। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस है जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, बड़ी है। एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 9 है, दूसरा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 11 है। तो जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 9 है हम बोलेंगे वो बेस है, बट वो वीक बेस है क्योंकि वो 7 के क्लोज है। लेकिन जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 11 है हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से लेस है। इसमें से एक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 1 और दूसरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है 4। तो ऑब्वियसली जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 4 है हम बोलेंगे वो वीक एसिड है, और जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है।